नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड। ये सुजुकी की सियास कार है और ये है, ये टू व्हीलर को डैश हो गई और ये देखो बम्पर पे कितना बड़ा डेंट आ गया है और स्क्रैचेस भी आ गए हैं। तो ये डेंट है, ये हम घर में ही इजीली कैसे उसको मतलब रिस्टोर कर सकते हैं या फिर डेंट है वो रिमूव कर सकते हैं, और ये जो स्क्रैचेस आए वो कैसे इरेज कर सकते हैं ये मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो डेंट आया है, जब भी बम्पर को डेंट आता है मतलब फाइबर के चीज़ को डेंट आता है तो निकालना उसे इजी होता है, लेकिन जो बम्पर है किधर से भी कट वगैरह नहीं होना चाहिए, कट हो गया तो उसकी प्रोसीजर अलग रहती है। ये जो है ये इजीली हम घर में ही काफ़ी हद तक उसको निकाल सकते हैं और कार एकदम प्रॉपर तो नहीं होगी लेकिन काफ़ी हद तक ये आप रिपेयर कर सकते हैं। छोटी है, हमने हथौड़ा ऐसे जो हमारी चेसी है या फिर फ्रेम है उसको रख के इधर से दबाया तो डेंट काफ़ी हद तक आ गया। ऐसे आपको करना होता है, हमने उसके लिए एक साइड से बम्पर भी निकाला और फॉग लैम्प के जो ये थे फ्रेम वगैरह थे ऊपर से वो क्या बीच में आ रही थी इसलिए हमने वो निकाल दी। तो इस तरह हमारा जो डेंट है वो आ गया, काफ़ी हद तक आ गया, एकदम प्रॉपर तो नहीं आया है। तो अभी हम ये जो स्क्रैचेस आ गए हैं वो हटाने वाले हैं यहाँ से। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अभी ये जो स्क्रैच है ये स्क्रैच क्या है, डीप स्क्रैचेस नहीं, ये जो स्क्रैच है ये ऊपर का जो कोट होता है पेंट का, सबसे जो ऊपर का कोट क्लियर कोट, इसके ऊपर थोड़े से स्क्रैच आए हैं। तो ये पॉलिशिंग मशीन से जा सकते हैं। अगर डीप स्क्रैच है पूरा मतलब अंदर का जो आपका फाइबर है या फिर उसके ऊपर जो प्राइमर है वो दिख रहा है तो वो स्क्रैचेस नहीं जाएंगे इस टाइप से। तो ये स्क्रैच मिटाने के लिए सबसे पहले वेवेक्स कंपनी का हेवी कट कंपाउंड है वो हम लगाएंगे इसके ऊपर। इससे क्या है, ये जो लेयर है ये एकदम थोड़ा सा कट हो जाएगा और कट हो जाएगा तो लेवल हो जाएगी, ये जो स्क्रैच है वो भी कट हो जाएंगे और इससे हमारा जो पेंट है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो अभी ये पॉलिशिंग मशीन है मेरे पास, उससे मैं ये अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले कम स्पीड पे आपको ये करना है, ये देखो ये जो स्क्रैचेस है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो रहे हैं। ये देखो ये जो स्क्रैच है वो काफ़ी हद तक मिट गए हैं। अब ये जो पेंट है इसको अच्छे से फिनिश आना चाहिए और इधर भी थोड़ा सा स्क्रैच बचा हुआ है। तो इससे ये वेवेक्स कंपनी का एक फाइनल कट कंपाउंड आता है, फाइनल फिनिश कंपाउंड, इससे क्या है हमारा जो पेंट है उसको एक अच्छा सा फिनिशिंग आएगा जैसा ओरिजिनल फिनिशिंग होता है। तो आपके पास सिर्फ एक है तो एक ही लगाओ, इससे कुछ नहीं, क्योंकि ये जो काम है ये मैं फिर से बता रहा हूँ ये कुछ प्रोफेशनल्स काम नहीं है, क्योंकि कोई बोलेगा इधर तो डेंट दिख रहा है इतना अच्छा तो हुआ नहीं है, इधर भी दिख रहा है, ये सिर्फ टेम्पररी काम है। इतना ख़राब दिख रहा था तो उससे कहीं अच्छा दिखे, बेटर दिखे, इसलिए ये तो कुछ प्रोफेशनल में नहीं दिखा रहा हूँ आपको, एक टेम्पररी एक जुगाड़ बोल सकते हो वो दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन बहुत से लोग कमेंट करेंगे ये क्या है, ये अच्छा काम नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो लोग कमेंट करते हैं। इनमें पहले ही बताता हूँ ये एक जुगाड़ है और 100% नहीं, ऐसे 50-60% तक अच्छा सा काम हो रहा है। जितना एकदम पहले एकदम बुरा दिख रहा है अब ठीक दिखने लगा है, इतना ही फर्क हुआ है। तो इससे भी आपको ये पॉलिशिंग कर लेना है। तो आपके कार के ऊपर ऐसे स्क्रैच है थोड़े बहुत क्लियर के ऊपर तो आप इस टाइप से उनको भी रिमूव कर सकते हो।
ये इधर जो एक डीप स्क्रैच है वो तो चला नहीं जाएगा, ये देखो इधर। ठीक है, एकदम प्रॉपर हो गया है। अभी इसको माइक्रो फाइबर क्लॉथ से अच्छे से हम वाइप करेंगे तो एकदम प्रॉपर हो जाएगा। अभी तो क्या है, बाकी जो मैंने निकाला था फॉग लैम्प का जो क्रोम वगैरह वो सब फिटिंग कर लेता हूँ और आपको लुक दिखाता हूँ। इसके पहले डोर पे भी इसके स्क्रैच है, वो कैसे रिमूव करने हैं वो दिखाता हूँ। इसी टाइप से वो भी रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। ये उसी टाइप से जो पीछे का डोर है उस पर भी स्क्रैचेस आए हैं कुछ, ये देखो। इधर से भी किसी चीज़ से गाड़ी घिसी हुई है, ये देख सकते हो आप। तो ये भी सेम स्टेप से हम रिमूव करने वाले हैं। डोर पे भी वो दोनों स्टेप हो गया है जैसे मैंने बम्पर पे किया था। और ये देख पा रहे हो आप कितना अच्छा ग्लॉस आ गया है। और स्क्रैच थे वो काफ़ी हद तक चले गए हैं, जो डीप स्क्रैच थे वही इस पर अभी दिख रहे हैं। ठीक है, मैं लुक दिखाता हूँ आपको, थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ये। ये देखो लगभग सारे स्क्रैचेस चले गए। इधर एकदम डीप स्क्रैच था एक, ये देखो ये स्क्रैच थोड़ा सा दिख रहा है, पहले से कम दिख रहा है, अभी थोड़ा सा दिख रहा है। फिर भी फॉग लैम्प वगैरह उसका कवर लगाने के बाद, क्रोम लगाने के बाद लुक देख सकते हो। तो आप नज़दीक से देखोगे तो इधर एक डेंट तो बचा हुआ है, क्योंकि ये जो डेंट है फाइबर का ये प्रॉपर नहीं निकला है, क्योंकि इधर से पूरा बेंड वगैरह हो गया था वो। और इधर स्क्रैच दिख रहे हैं थोड़े, इधर एक छोटा सा स्क्रैच रह गया है क्योंकि वो डीप स्क्रैच था, और डीप स्क्रैच इस तरीके से जाते नहीं है। ये अगर प्रॉपर करना है आपको तो दो ही तरीके रहते हैं, एक तो पूरा रिपेंट करो या फिर पूरा बम्पर बदल डालो और वो रिपेंट करो। पेंट तो करना ही पड़ता है दोनों प्रोसीजर में, लेकिन ये जो है ये हमने टेम्परेरी किया क्योंकि बहुत ख़राब दिख रहा था और गाड़ी का जो इंश्योरेंस था वो थर्ड पार्टी था, नहीं तो इंश्योरेंस में ये काम हो जाता था। तो अभी क्या है, अभी तो ये गाड़ी मतलब पहले एकदम ख़राब दिखती थी, अभी थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है। और दूर से आप देखोगे ना तो इतना कुछ फर्क आपको पता नहीं चलेगा इसमें। और जो डोर पे स्क्रैचेस थे पीछे वो भी काफ़ी हद तक चले गए हैं, तो वो भी दूर से कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। तो इस तरह ये जो काम है ये काम किया जाता है। तो कभी कभी क्या है बम्पर के इस तरीके से स्क्रैचेस एकदम डेंट एकदम प्रॉपरली भी निकल जाते हैं, तो मैटर करता है कि किस भाग पे है, किस जगह पे है वो। पीछे के बम्पर पे होते हैं तो अच्छी तरह निकल जाते हैं, इधर क्या है ये अलग डिज़ाइन है ये सब, इसलिए ये एकदम हार्ड मटेरियल है इधर, इसलिए ये पूरी तरह नहीं निकले, लेकिन ठीक ठाक है। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको एक जुगाड़ का तरीका बताया वो तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।